नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंडियन पोस्ट ऑफिस का फॉर्म आवेदन करना सीखेंगे और जिनको ओटीपी की दिक्कत आ रही है उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। मुझे भी ओटीपी की बहुत दिक्कत आ रही थी, लेकिन आप बोलते हो ना कि मेरे को खुद नहीं पता चला ये ओटीपी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, लेकिन मैंने किया क्या मैं वो आपको ना बताऊंगा जरूर, ठीक है। तो चलो कंप्लीट वीडियो को देखना, ऑनलाइन आवेदन ए टू जेड आपको समझाऊंगा। लास्ट डेट 5/6/2022 है। दूसरी बात, आने वाले समय में कभी भी इंडियन पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी आती है आप दोबारा भी इस वीडियो को देखकर आवेदन कर सकते हो, ठीक है। अब इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो इसमें भैया आपकी मिनिमम 10th मांगी गई है, साइंस और मैथमेटिक आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, और आपकी स्टेट की जो भी लोकल लैंग्वेज है वो भी आपने 10th तक पढ़ी होनी चाहिए। एज लिमिट 40 ईयर है, बस इससे ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप आवेदन करने के लिए तैयार हो। तो चलो बढ़ते हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट, ये है ऑफिशियल वेबसाइट जहां से आपको आवेदन करना है। अगर गूगल से नहीं मिलती, ये देखो नोटिस कर लो यहाँ पे नहीं पता चलता, तो आप क्या करो, मैं डिस्क्रिप्शन में समझ आएगा .in के ये वाले पेज का लिंक दे रहा हूँ। यहाँ पर आओगे तो आपको ये वाला लिंक मिल जाएगा अप्लाई का, यहाँ पर क्लिक करना, सेम पेज ओपन हो जाएगा जो मैंने अभी ओपन किया था। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर ये देखो रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। ओटीपी की ना मेरे को बहुत दिक्कत आ रही थी, तो मैंने क्या किया, मैंने एक बार यहाँ पर अपना नंबर डाला, ठीक है, ऐसे करके नंबर डाला और इसको वैलिडेट कर दिया, ठीक है। तो मेरे को ओटीपी आ नहीं रहा था, तो मैंने क्या किया, दूसरी बार मैंने यहाँ से कॉपी किया इसको, देखो अभी तक मुझे ये अभी मुझे ओटीपी आ गया। फिर मैंने क्या किया, देखो अभी तो आ गया है, लेकिन ना इसके पहले मुझे ओटीपी नहीं आ रहा था। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ कि मेरे को ओटीपी नहीं आ रहा था, मैंने बहुत ट्राई की, बहुत कोशिश की, कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर मैं क्या किया, मैंने 2-3 बार ना यहाँ से पूरा का पूरा लिंक कॉपी किया, ऐसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट किया तो ये नया पेज ओपन हो गया। ऐसे ही मैंने 3-4 बार किया अलग अलग बार, मतलब 5 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद, तो मेरे को अपने आप ओटीपी जो है ना अब बार बार आना शुरू हो गया, तो मेरे को ओटीपी की कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो अभी ये वाला जो ओटीपी आया है, मैं चलो जल्दी से यहाँ पे डाल देता हूँ। पहले मैं आपको फिल करके यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आप भी फिल कर लो। तो भैया 10वीं के बेसिस पे आपका क्या नाम है वो यहाँ पे डाल देना, तो मैं सिंपल एक नॉर्मल डमी नेम डाल रहा हूँ। उसके बाद आपके पापा का क्या नाम है तो वो यहाँ पे डाल देता हूँ, रिक्की कुमार। और उसके बाद ये पूछेंगे जेंडर, तो हमने मेल डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं, तो चलो 1998 दे देता हूँ, और जनवरी 2 डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर मैं एससी कैटेगरी हूँ, अगर आपकी जनरल कैटेगरी है जनरल। आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है कोई भी कैटेगरी का तो सारे यूआर में आएंगे, ठीक है। अगर सर्टिफिकेट है तो उनको पता होगा वो कौन सी कैटेगरी देने वाले हैं। स्टेट कौन सी है मेरी जम्मू कश्मीर है, और ईयर ऑफ पास 2012 दे देते हैं कि मैंने 10वीं कब पास की थी। ये जो स्टेट है ना ये पूछ रहे हैं कि आपने कौन से स्टेट से 10वीं पास की है, ठीक है, तो ये मैंने वो दिया है, ध्यान रखना। अब आ जाते हैं नीचे, ये वाला जो टेक्स्ट इन्होंने लिखा है ये यहाँ पे लिखना है, तो लिखा है YF74G, ठीक है, जी बड़ा है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे ईमेल है, तो चलो एक ईमेल भी यहाँ पे वैलिडेट कर देते हैं। तो चलो मैंने ओटीपी दोनों पे मेरे को आ चुके हैं, ईमेल पे भी आ गया होगा, वो भी मैं देख लेता हूँ, जस्ट वेट करिए। पहले मैं मोबाइल वाला जो ओटीपी है वो यहाँ पे डाल दूँ, ठीक है। तो ये ओटीपी मुझे आया है BG920928, चलिए C45AC5, चलो ये है इसका। अब बात है जीमेल की, तो चलो जीमेल वाला भी हम देख लेते हैं भैया जी, जीमेल पे ओटीपी कहाँ आया है, जस्ट वेट कीजिएगा। तो ये रहा मेरा जीमेल का ओटीपी, तो लास्ट ओटीपी ये है 0 मिनट अगो, ये कर लेते हैं हम कॉपी, और ये रहा, और ये कर देते हैं पेस्ट, सबमिट। ये कहते हैं इनवैलिड ओटीपी, सॉरी मैंने क्या कॉपी कर दिया, ये ओटीपी ही मैंने गलत कॉपी किया, ये कॉपी, चलो लिख दिया सबमिट, ये हो गया, ये भी सबमिट हो गया। चलो अब कर देते हैं इसको भी हम सबमिट, ये चेंज हो गया यहाँ पे पेज 7, उसके बाद डी है आई थिंक, उसके बाद आर है, एल है, एन है, चलो ये कर दिया सबमिट। ये कह रहे हैं फर्स्ट स्टेज रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है आपकी, चलो बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए। अब आगे क्या करना है, आगे नीचे वाला ये फॉर्म है, आधार नंबर आपके पास है 2 वरना रहने दो। डिसेबिलिटी पर्सन होता है जिसको पोलियो वगैरह, कोई हाथ पैर काम नहीं करता, कुछ अंग कटा हुआ है, तो वो अदरवाइज इसको नो कर देना, ठीक है। तो फिर आपको कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज आपने 10th में कौन सी पढ़ी है, तो भैया जी हमने इंग्लिश पढ़ी है, हिंदी पढ़ी है, ठीक है, यही है, इसके अलावा मैंने कोई नहीं पढ़ी, तो देख लो आपने जो पढ़ी है वो सिलेक्ट कर देना यहाँ पर।
उसके बाद यहाँ पर ये पूछते हैं कि आपको एम्प्लॉयर एनएससी है, तो भैया नहीं मैं कोई एम्प्लॉयर नहीं हूँ, मैंने कभी काम नहीं किया, ना ही मैं कोई एम्प्लॉयड हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद कहते हैं एक फ़ोटो अपलोड करो, एक सिग्नेचर, उसका साइज़ होना चाहिए 20 KB, इसका साइज़ होना चाहिए 50 KB, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं। तो चलो फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। तो फोटो अपलोड करने के लिए ये जो ऑप्शन है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपको क्लिक करना है और अपने सिस्टम पे जाके आपको ढूंढना है। तो जैसे मेरी जो पिक है वो ई फोल्डर में पड़ी हुई है, तो यहाँ पे उसका मैंने नाम दिया था टेस्ट फोल्डर, ये रहे। तो देख लेते हैं भैया इसमें 50 KB से कम वाली कौन सी फ़ोटो है। तो ये इसका साइज़ 20 KB है, थोड़ा सा मैं बड़ा लेना चाहूँगा, तो यहाँ पर हम इसका साइज़ देख लेते हैं। 20 KB बहुत कम है यार, 30 KB तो मिनिमम लेके चलना पड़ेगा। सारी 20 KB की ही है मेरे पास, ये है 28 KB की। तो चलो ये अपलोड करता हूँ। ये बोल रहे हैं प्लीज अपलोड, अच्छा फोटो अपलोड सक्सेसफुली। उसके बाद सिग्नेचर, तो उसी फोल्डर में एक सिग्नेचर भी हम कर देते हैं। तो 20 KB के सिग्नेचर चलने थे, तो ये 16 KB के हैं मेरे पास, तो ये मैंने कर दिया अपलोड। कहते हैं साइन अपलोड सक्सेसफुली। उसके बाद ए ए पी सी एंड एट है, एट लिख दिया मैंने। प्रीव्यू, कहते हैं सिलेक्ट लैंग्वेज, अच्छा लगता है एक ही लैंग्वेज हमें जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी, मैंने ज़्यादा कर दी थी। तो चलो भैया हम यहाँ पर हिंदी कर देते हैं, ठीक है। सिलेक्ट तो हुई हिंदी, लेकिन आई थिंक सो नीचे कुछ ऑप्शन है इसका, ओके ठीक है, ये मैंने कर दिया हिंदी ओके। इंग्लिश भी तो है मेरी, मैं वो भी लगा दूंगा यहाँ पर, ये ओके ठीक है। तो ये दो थी, चलो अब करते हैं प्रीव्यू। तो ये मेरा सारा डेटा मुझे दिखा रहा है, ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद मैंने सारी कंडीशन पढ़ ली और मैं सबमिट कर देता हूँ, ये हो गया। तो ये कह रहे हैं सारा फॉर्म, एंड उसके बाद इन्होंने क्या कहा, कहते ऑनलाइन ग्रामीण डाक सेवक इंगेजमेंट, कुछ लिखा नहीं है इन्होंने, कहता है हैव स्टडी नोट ये वो प्लीज़ कीप द रजिस्ट्रेशन नंबर, फ्यूचर रेफरेंस डॉक्यूमेंट, पोस्ट जर्नल, ये फीस कैन बी अपलोडेड पेड एंड इन एनी रजिस्ट्रेशन डेटा इज कैंडिडेट। तो तकरीबन आई थिंक सो इतना ही है। मैं इस रजिस्ट्रेशन नंबर को जो है वो अपने पास पहले कॉपी करके रखूँगा, क्योंकि मुझे अभी कन्फर्म नहीं है कि मेरा फॉर्म अप्लाई हो गया या नहीं हुआ। तो डेट ऑफ बर्थ भी रख लेता हूँ, क्योंकि मैंने डम्मी डेटा जो है वो अप्लाई किया है। जस्ट वेट कीजिएगा, इतनी जल्दी फॉर्म कैसे फिल हो गया। तो चलो ये तकरीबन कर दिया। अगर तो कोई भैया यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, अगर आपका जनरल कैटेगरी हो तो आपको फीस ऑनलाइन पे करनी है। मैंने एससी कैटेगरी थी तो मेरे को फीस पे नहीं करनी पड़ी, ठीक है। तो जिनके पास एससी का सर्टिफिकेट होगा वही लोग एससी कैटेगरी सेलेक्ट करना, ऐसे कोई मत करना। कौन सी एससी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ये वाली, ये जो थी, ये देखा था कम्युनिटी उधर आया था, ठीक है। तो चलो इसको प्रिंट करके अपने पास रखना है, तो मैं सेव एस PDF कर लेता हूँ, ये हो गया ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रिंट सेव, तो ये मैंने कर दिया सेव। अब वो मुझे लगता है कि कुछ अगर और है तो मैं एक बार लॉगिन करके यहाँ पे देखना चाहूँगा। फॉरगेट लॉगिन 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 का ऑप्शन मेरे पास इन्होंने कुछ दिया नहीं है, वैसे तो आई थिंक इतना ही होना चाहिए अप्लाई ऑनलाइन। चलिए मैं अप्लाई पे जाता हूँ अब, ठीक है। तो ये रहा अप्लाई, तो यहाँ पे मेरा वो जो मेरे को नंबर इन्होंने मैंने कॉपी किया वो देखो, मैं उसी वेबसाइट पे वापस आया हूँ, क्योंकि अभी मेरे को लगता नहीं है फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो ये मैंने डाल दिया सर्कल अप्लाई, कौन सा था मेरा, जम्मू कश्मीर, सबमिट। कहते हैं OTP हमने सेंड किया है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। चलो भैया OTP देख लेते हैं, वेट करते हैं। OTP अभी मुझे आया नहीं है, देखो इस वाले OTP में मुझे अब दिक्कत आने वाली है, ठीक है। इसके बाद मेरा एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, चूज प्रेफरेंस रहेगी और प्रिंट एप्लीकेशन। तो ये सारी स्टेजेस कंप्लीट करने के बाद मुझे जो है वो फॉर्म जो है आगे आप ये कह सकते हो कंप्लीट जो है मेरा होने वाला है। तो मैं ओल्ड OTP एक बार ट्राई कर लेता हूँ भैया। लो जी नया वाला OTP मुझे आ गया गाइस यहाँ पर, योर OTP 3F5456, ये मैंने डाल दिया। उसके बाद ये लिखा हुआ है जो साथ में 2K, काफ़ी टाइम के बाद मैं भी फॉर्म अप्लाई करना सिखा रहा हूँ तो मुझे भी भूल चुका है अब। चलो ये हो गया। अब देखो ये हाउस नंबर वगैरह डिटेल डालनी है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 989, वार्ड नंबर 10। तो ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ठीक है, सतवारी विलेज जम्मू। तो ये तकरीबन इसने ले लिया। तो सेम है मेरा एड्रेस, जो इधर है वही एड्रेस है। अगर आप चाहते हो कि आपको कहीं और भी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, आपके दो घर हैं तो दोनों का दे सकते हो। फिलहाल ये आपको कहाँ कॉन्टैक्ट करें वो एड्रेस यहाँ देना, परमानेंट जो डॉक्यूमेंट वगैरह पे है वो यहाँ दे देना,
ठीक है। अब बोर्ड कौन सा है मेरा, जम्मू कश्मीर बोर्ड है, जेके बोस है मेरा, जम्मू स्टेट सेंट्रल जेके बोस, चलो विद ऑप्शनल सब्जेक्ट तो था नहीं मेरा वैसे, चलो मैंने दे दिया, जो भी आपका होगा यार आप देख लेना यहाँ पे ओपन स्कूल है कौन सा है, जेके बोर्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट था विदाउट ऑप्शनल था तो मैं विद ऑप्शनल दे देता हूँ। रिजल्ट मार्क्स में मेरा आया था तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि इंग्लिश हिंदी कितने मार्क्स आए, इंग्लिश में कितने आए, दे देते हैं 60, 50, 60, 50, ठीक है। हो सकता है आप यहाँ पे चेंज करें तो जो आपके सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं आ रहे हो वो आपको ऐसे दे दें, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। 60 अरेबिक डोगरी दे देता हूँ मैं यहाँ पे, तो भैया जो जो आपके सब्जेक्ट होंगे आप तो वहीं दीजिएगा। 40, तो मैं ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अब ये सीजीपी स्कोर की परसेंटेज हमें देनी पड़ेगी, सीजीपी इज नॉट अलॉटेड बाय योर बोर्ड यू मे लीव, तो मेरे पास कोई सीजीपी नहीं है तो मैं इसको छोड़ दूंगा और सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा। कहते हैं मार्क्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन मैक्सिमम मार्क्स, अच्छा ये मैंने ज़्यादा दे दिए यहाँ पे, चलो 14 कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया, जल्दी जल्दी फिल कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये हो गया, डिवीज़न कौन सी है मेरी, जम्मू मैंने दे दी, ठीक है। आपकी जो डिवीज़न होगी तालुका होगी वो दे दीजिएगा, तो आप किसको पहले वो देना चाहते हैं प्रेफरेंस तो वो दे दीजिए। हिंदी उर्दू पोस्ट तो मैं देना चाहूँगा इसको, दूसरा तीसरा चौथा जो भी आपके पास का है भैया वो दे देना, जहाँ आपको लगता है मुझे नौकरी मिल जाए तो अच्छी बात है, बहुत है इतने सारे देने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, तो ये मेरा कंप्लीट फॉर्म आप यहाँ पर देख पाओगे, हो गया ठीक है। ये मैंने कर दिया फिल सब कुछ डिटेल, उसके बाद इसको मैं प्रिंट कर लूँगा। तो गाइस ये मेरा कंप्लीट फॉर्म जो है वो अब फिल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें करनी है, होप सो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर पता चल गई होंगी। एक बार चेक कर लेना एप्लीकेशन स्टेटस में जाके कि आपका फॉर्म फिल हुआ है या नहीं हुआ है, तो सबमिट पे देखोगे तो आपको यहाँ पे बता देगा कि कहते हैं एंटर मोबाइल नंबर 1604738, तो मैं देख लेता हूँ कि मेरा फॉर्म फिल हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगी तो आप यहाँ पे देख पाओगे, ये बात ध्यान रखिएगा। बाय बाय, तो चलो नेक्स्ट। तो ये यहाँ पे क्या बता रहा है मुझे, कम कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे आप देखोगे सारा कुछ मेरा फिल हुआ पड़ा है। होप सो आपको कुछ सीखने को मिला है, सीखने को मिला है तो लाइक करें शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो हमारी बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है जिसमें हमने क्वालिफिकेशन से लेकर भी बात की हुई है, सिलेक्शन वाली जरूर देख लेना, A to Z मेडिकल वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा इसमें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।